वेलकम टू द कॉन्शियस लिविंग गाइस आई एम भावना भट्ट आज हम डीपली बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में और कैसे सबकॉन्शियस माइंड को अपनी विशेज और डिज़ायर्स के लिए रीप्रोग्राम किया जाए ताकि हम एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाएँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करने में जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ब्यूटीफुली अप्लाई कर पाएंगे सब कॉन्शियस माइंड को समझने से पहले हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्शियस माइंड या चेतन मन आपका थिंकिंग माइंड है जो सोचता है प्लानिंग करता है डिसीजनस लेता है ये लॉजिकल होता है ये रैशनल माइंड है प्लस जब आप अवेयर होते हो और कोई भी एक्शंस लेते हो तो उन एक्शंस को कंट्रोल करने वाला भी आपका कॉन्शियस माइंड है तो आपके माइंड से गुजरने वाले सभी विचार आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाली सेंसेशंस परसेप्शंस और कोई भी मेमरी जो आप अपनी अवेयरनेस में लेके आते हो वो सभी उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस का पार्ट है जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो मुझे सुन रहे हो आप बिल्कुल अवेयर हो कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है मीन्स आप अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहे हो वहीं पे सब कॉन्शियस या आप चेतन मन का काम है आपके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना जैसे कि हार्ट बीट डाइजेस्टिव प्रोसेस ब्रीदिंग एक्सेट्रा और दूसरा है कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंसिस बिलीव्स हैबिट्स स्किल्स और आप जब चाहे इस इंफॉर्मेशन या इस मेमोरी को अपनी अवेयरनेस में लेके आ सकते हो मतलब कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हो तो सब कॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल इसलिए बोला गया है क्योंकि आपकी 95 परसेंट लाइफ आपका सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ पाँच परसेंट मतलब सब कॉन्शियस माइंड ना प्रोग्रामिंग के बेसिस पे काम करता है और उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस कंट्रोल करने लगता है तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि सुबह उठने से लेकर नहाना धोना ब्रश करना ब्रेकफास्ट कार या बाइक चलाना ये सब आप कोई कॉन्शियसली नहीं करते हो ये सब खुद हो रहा है क्योंकि आप प्रोग्राम्ड हो इन चीज़ों के लिए आप समझ पा रहे हो जैसे कि आपका ध्यान कहीं और है आप सोच कुछ और रहे हो लेकिन फिर भी सारे एक्शंस खुद हो रहे हैं ये कैसे हो रहा है आपको आपका सब कॉन्शियस माइंड गाइड कर रहा है क्योंकि डेली रेपिटेशन की वजह से माइंड में एक पैटर्न बन गया है इसमें कॉन्शियसली कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है एंड दिस मीन्स कि रेपिटेशन का बहुत बड़ा रोल है सब माइंड की प्रोग्रामिंग में जो आप इसको बार बार बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा फिर चाहे वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है क्योंकि इसको पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में डिफरेंस नहीं पता फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन आप इसको बोल रहे हो मैं बहुत सुखी हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है तो ये मान लेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा और आपके सर्कमस्टांसिस इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे कि आप सच में सुखी हो जाओगे क्योंकि इसको नहीं पता कि जो इसको बोला जा रहा है वो फेक है या वो रियल है तो सब कॉन्शियस बिलीव्स आपकी डेस्टिनी कंट्रोल कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि वट यू बिलीव इज़ वट यू अट्रैक्ट ये सब कॉन्शियस बिलीव्स के बारे में बात कर रहा है जो डीपली रूटेड हैं तो अब बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के बारे में जिसके लिए मैं इस वीडियो के एंड में आपको दो मेथड्स बताऊंगी सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए सुनना जरूरी है वो ये है कि कॉन्शियस माइंड और सब माइंड का एक साथ चलना इन दोनों का अलाइनमेंट में होना फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हो आपके अंदर बहुत विल पावर है आप कॉन्शियसली पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो एक्शंस ले रहे हो सक्सेस अचीव करने में लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस के लिए प्रोग्राम नहीं है वो कुछ और ही स्टोरी बोल रहा है तो आपकी विल पावर आपके एफर्ट्स सब कॉन्शियस के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है अलाइनमेंट में नहीं है सब कॉन्शियस के आगे कॉन्शियस माइंड जीत नहीं सकता क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सारे एक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन है आपका सब कॉन्शियस माइंड है तो अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चले मीन्स आप अपनी डिजायर्स और विशेज को कॉन्शियस से सब कॉन्शियस तक पहुंचा दें यू विल बी अनबीटेबल आपको मैनिफेस्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा बिलीव मी ऑन दिस आप अन इंटेंशनली अनकॉन्शियसली ऐसे एक्शंस लेने लग जाओगे जो आपको खुद सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे आप सोचोगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे सारे काम अपने आप बन रहे हैं बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्शियस माइंड सक्सेस चाहता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड सक्सेस के लिए प्रोग्राम नहीं है और इसलिए सब कॉन्शियस माइंड को अपनी विशेज एंड डिज़ायर्स के लिए रीप्रोग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाओ वो चीज़ें आपके पास खुद चल के आएँ तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको ये दो मेथड्स के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट मेथड इज़ कॉन्शियसली रिप्रोग्रामिंग योर सब कॉन्शियस माइंड अब कॉन्शियस माइंड भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपकी विशेज और डिज़ायर्स कॉन्शियस से ही सब कॉन्शियस में एंटर करती है राइट right? कमांड देने वाला ही कॉन्शियस माइंड होता है यही डिसाइड करता है कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट तो हम ईजली कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास थ्री टूल्स होते हैं एफॉर्मेशन विजुलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग ये हम सबको पता है बट जो ध्यान रखने वाली बात है वो है रेपिटेशन एंड फीलिंग्स आप कुछ भी यूज करो कोई भी टूल यूज करो बट उसको रिपीट करना और उसमें फीलिंग्स डालना मत भूलना एटलीस्ट ट्वेंटी वन डेज आपको देने हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए और जितना कॉन्शियसली आप जीना स्टार्ट करेंगे और इन टूल्स को यूज करेंगे उतना जल्दी आपका सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा सेकेंड मैथड इज़ रीप्रोग्रामिंग योर सब कॉन्शियस माइंड एट नाइट ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करता है आप रात के समय में ईजली अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है ये इंटरफेयर नहीं करता है। ये ना ही कुछ एक्सेप्ट कर पाता है और ना ही रिजेक्ट तो होता क्या है कि आपकी एफ शन या सबलिमिनल्स आपके कॉन्शियस माइंड को बायपास करके डायरेक्टली आपके सब कॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाते हैं तो रात को सोते हुए एयरफोन्स लगा के अपनी एफोमेशंस या सबलिमिनल्स सुने और फिर देखें मैजिक कि ब्यूटीफुली काम करता है जस्ट ट्राई दिस वंस तो ये दो मेथड्स hmm. थे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए वैसे ही मैथ्ड्स बहुत ब्रॉड हैं अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट दी बेल बटन ऑन एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर थैंक यू सो मच